दोस्तों इस वीडियो को लाइक कीजिए और उसके बाद लाल रंग के सब्सक्राइब बटन को दबाकर ये छोटी सी घंटी अभी दबा दीजिए। नमस्कार, स्वागत है आपका एडवांस इंडिया पर। मैं हूं नवीन चौहान। भारत ने पाकिस्तान में घुसकर एयर स्ट्राइक की, 300 से ज्यादा आतंकवादी ढेर हो गए। पाकिस्तान जवाबी कार्रवाई करने के लिए भारत में अपने प्लेन लेकर आया, लेकिन भारत ने उन प्लेन को भी मार गिराया, यानी F-16 को ढेर कर दिया। यानी जवाबी कार्रवाई करने पाकिस्तान आया था और उसे मुंह की खानी पड़ी। यहां तक तो सब सही था, लेकिन इसके बाद जो हुआ वो अच्छा नहीं हुआ। देशवासी इसे लेकर गुस्से में जरूर होंगे, क्योंकि तमाम ऐसे नेता हैं जो सबूत मांगने में जुट गए। सबसे पहले सबूत मांगने की शुरुआत की ममता बनर्जी ने कि बताओ जरा ऐसा हुआ भी है या नहीं। उसके बाद दिग्विजय सिंह ने भी यही बात बोल दी, और अब रही सही कसर उन्हीं साहब ने पूरी कर दी। किसने? नवजोत सिंह सिद्धू ने, जो पुलवामा में जब अटैक हुआ तब बोले थे, ऐसा बोले कि लोग नाराज हो गए। अब फिर बोले जब बदला लिया, ऐसा बोले कि सुनकर आप भी हैरान हो जाएंगे। लेकिन इन सबूत मांगने वाले नेताओं को जबरदस्त जवाब वायुसेना प्रमुख BS धनोआ ने दे दिया है। मुंह तोड़ जवाब इसे कहा जाएगा। लेकिन सबसे पहले आपको दिखा दें कि आखिरकार ये महाशय क्या कह रहे हैं। आइए जरा, ये ट्वीट इतने जबरदस्त तरीके से करते हैं कि उसका कोई जवाब ही नहीं। पहले तो ये थोड़ा एक ये देख, क्या मिलिए ऐसे लोगों से जिनकी फितरत छुपी रहे, नकली चेहरा सामने आए असली सूरत छिपी रहे। जो एयर स्ट्राइक है उसके बाद तमाम मीडिया की रिपोर्ट्स पर ये सवाल उठा रहे हैं। ये देखिए, और ये ताजा ताजा सा है, बहुत ताजा है, बहुत ज्यादा ताजा ट्वीट है। ये 3 मार्च का है, सुबह 10 बजे का, जिसमें कहा है कि 300 आतंकवादी मरे हैं, हाँ या नहीं। पर्पस क्या था, पेड़ उखाड़ने का या टेररिस्ट, और क्या सिर्फ ये एक चुनावी हथकंडा है, यानी ये बात ये कह रहे हैं। अब जैसा कि मैंने आपको बताया कि इन सब को जवाब दे दिया है। BS धनोआ प्रेस कॉन्फ्रेंस करने आए थे कुछ ही मिनट पहले, और उन्होंने जो जवाब दिया उसे सुनकर आप भी खुश हो जाएंगे, क्योंकि सबूत मांगने वाले नेताओं को उन्होंने साफ कह दिया, हमारा काम मारना है, गिनना नहीं। यानी जिन्हें गिनना है वो जाकर गिन ले। वायुसेना प्रमुख ने तो कह दिया कि हम इसी तरीके से मारेंगे। दूसरी बड़ी बात, अभी पाकिस्तान के खिलाफ ऑपरेशन खत्म नहीं हुआ है, यानी पाकिस्तान जो लगातार घुसपैठ कर रहा है उनके खिलाफ अभी वायुसेना का ऑपरेशन पूरी तरह से खत्म नहीं हुआ है। यानी अभी और भी इंतजार कीजिए, आप और भी सबूत मांगेंगे, क्योंकि पाकिस्तान को और ज्यादा जवाब मिलेंगे, उनके और ज्यादा आतंकवादी मरेंगे। और BS धनोआ की इस बात से जाहिर होता है, हम मारेंगे गिनेंगे नहीं। वहीं उन्होंने ये भी कह दिया कि ऑपरेशन लगातार जारी रहेगा, यानी पाकिस्तान को जवाब मिलता रहेगा। और दूसरी सबसे बड़ी बात जो अभिनंदन के ऊपर BS धनोआ ने कही है, उन्होंने कहा है कि मेडिकल रिपोर्ट जब पूरी तरह से फिटनेस सर्टिफिकेट मिल जाएगा तब अभिनंदन प्लेन दोबारा से उड़ा पाएंगे, यानी कि अभिनंदन दोबारा से फिर पाकिस्तान पर हमला करने के लिए तैयार हो जाएंगे। लेकिन सबूत मांगने वालों को अब माकूल जवाब BS धनोआ ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दे दिया है। जो लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, जिन्हें और सबूत चाहिए, वो उस प्रेस कॉन्फ्रेंस को जाकर देख सकते हैं। और दूसरी बड़ी बात कि आप इंतजार कीजिए, क्योंकि अभी और भी पाकिस्तान को जवाब मिलते रहेंगे, उनको जवाब मिलेंगे, और आप सबूत मांगते रहिए। जो सबूत मांगते हैं वो भी कमेंट कीजिए, और जो लगता है कि बहुत अच्छे से भारत ने जवाब पाकिस्तान को दे दिया है वो भी कमेंट कीजिए। इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिए, लाइक कीजिए, और हेडलाइंस इंडिया को सब्सक्राइब कीजिए। फिर मिलते हैं, जय हिंद।